और इसी बीच रुख कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा में, दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को लेकर के एक बड़ी बैठक होगी। सीएम आतिशी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय मीटिंग होगी। दिल्ली सचिवालय में प्रदूषण की स्थिति पर आज एक बड़ी बैठक होगी। बैठक में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहने वाले हैं। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली में ग्रैप वन लागू, दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को लेकर के आज बड़ी बैठक है। सीएम आतिशी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय मीटिंग होने जा रही है। दिल्ली सचिवालय में प्रदूषण की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। बैठक में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए दिल्ली में ग्रैप वन लागू किया जाएगा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। हर साल जैसे ही दशहरा और दिवाली के ये त्योहार आते हैं तो वायु प्रदूषण की स्थिति भी देखने को मिलती है, और एक बार फिर से वैसे ही प्रदूषण को लेकर के अब एक बार फिर से चिंतित हो गई हैं सरकारें। और दिल्ली सरकार, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की अध्यक्षता में आज एक बड़ी बैठक होगी, उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। बैठक में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहेंगे। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी प्रदूषण की स्थिति को लेकर के आज एक उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में? हाँ बिल्कुल, देखिए जितेंद्र, सर्दियों का मौसम आने वाला है। हालांकि मुद्दा देखा है जैसे ही दिवाली के बाद जो पॉल्यूशन है दिल्ली में वो बढ़ता हुआ नजर आता है। फॉग में स्मॉग दिल्ली में देखने को मिलता है, जिसको लेकर के आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी दिल्ली सचिवालय ने प्रदूषण की स्थिति को लेकर के उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने वाली है। इस बैठक में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहने वाले हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRSP का चरण वन कल दिल्ली में लागू कर दिया गया था। इसके अलावा स्टेज वन के तहत कार्यों में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों में भूशमन उपायों के उचित कार्यान्वयन और CND कचरे के प्रभावी पर्यावरण प्रबंधन को सुनिश्चित करना भी शामिल होगा। हालांकि देखिए कल नहीं, दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों को बैन कर दिया गया था देखने से। हालांकि ऑनलाइन भी आप पटाखे नहीं खरीद सकते, इस तरह की चीजें कल लागू कर दी गई थी दिल्ली में। हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो दिल्ली में अभी से ही जैसे ही मौसम में गिरावट देखने को मिल रहा है तभी से पॉल्यूशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों से सांस लेने में थोड़ी अभी से ही कठिनाई शुरू हो गई है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो परिस्थिति है वो ठंड आते आते किस तरीके की हो जाएगी। तो इसीलिए एहतियातन बरतते हुए अभी से ही मीटिंग की जा रही है ताकि इस तरह की जो परिस्थिति जो पिछले वर्ष हुई थी वो इस बार ना हो। इसको लेकर के आज बैठक होने वाली है केंद्र सचिवालय में। आतिशी मुख्यमंत्री दिल्ली की एक बैठक की अध्यक्षता करेगी। जी अभी ये भी जानकारी है अपराजिता की ग्रैप वन लागू हो गया, लेकिन ग्रैप टू को लेकर के भी क्या चर्चा की जाएगी यहाँ पर? ग्रैप टू लगाने को लेकर के क्या ऐसी स्थिति बन रही है फिलहाल दिल्ली में? बिल्कुल, लेकिन सभी चीजों को लेकर के बैठक में डिस्कशन किए जाएंगे, तमाम चीजें डिस्कस की जाएगी, कब किस चीज को लागू करना है, और अगर जरूरत पड़ी तो बिल्कुल जितेंद्र इन्हें भी लागू किया जाएगा। चलिए आप नजर बनाए रखिएगा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। दिल्ली में चर्चा की जाएगी, उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी प्रदूषण की स्थिति को लेकर के। और आपको बता दें ग्रैप वन लागू कर दिया गया है, ग्रैप वन के चलते कुछ एक चीजों पर प्रतिबंध लग गया है दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को लेकर के ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज एक बड़ी बैठक